की वेबशाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होता है? जब हम पूरे को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस व्हेन होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जब हम पूरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक पिज्ज़ा है, ठीक है, ये पूरा है, तो इस पिज्ज़ा को क्या बोलेंगे? होल पिज्ज़ा। क्या बोलेंगे? होल पिज्ज़ा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक ही पिज्ज़ा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन। ठीक है, क्या लिखेंगे? वन। नेक्स्ट आता है, जब हम पिज्ज़ा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो पिज्ज़ा के कितने टुकड़े हो गए? वन और टू। तो ये नीचे जो होता है हम वहाँ पे टू लिखेंगे, और पर कितना है? वन का, तो वन बाय टू। कैसे लिखेंगे? वन बाय टू, है ना। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट है, और हम इसको बोलेंगे कैसे? हाफ, वन हाफ। क्या बोलेंगे? वन हाफ। ठीक है, नेक्स्ट होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? थ्री। पिज्ज़ा को हम हमने थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो वन टू थ्री, तो डिनोमिनेटर में थ्री लिखेंगे, और पर एक पार्ट कितने का है? वन, तो हम बोलेंगे वन अपॉन थ्री, तो बोलेंगे क्या? वन थर्ड। क्या बोलेंगे? वन थर्ड या वन बाय थ्री। क्या बोलेंगे? वन बाय थ्री। अब पिज्ज़ा है, हमने इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? फोर इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर। क्या बोलेंगे? क्वार्टर और वन फोर्थ। क्या बोलेंगे? वन फोर्थ। अब क्वार्टर और वन फोर्थ इज रिटन एज वन अपॉन फोर। कितने पार्ट्स है? वन टू थ्री फोर, डिनोमिनेटर में फोर, और हर एक पार्ट का तो वन बाय फोर। इसका दूसरा नाम क्या? क्वार्टर भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शंस को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखते हैं, एक्सरसाइज में है क्या। राइट द फ्रैक्शंस, हमें फ्रैक्शंस में लिखना है। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर दे दिया थ्री और डिनोमिनेटर टेन, तो न्यूमरेटर थ्री आपको ऐसे लिखना है, ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर, तो थ्री और डिनोमिनेटर में टेन, तो ये हो जाएगा थ्री बाय टेन। रीड कैसे करेंगे? थ्री बाय टेन। सिमिलरली सेकेंड वाला है, न्यूमरेटर में टू और डिनोमिनेटर में नाइन, तो फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा? टू अपॉन में नाइन, तो रीड कैसे करेंगे? टू बाय नाइन। ठीक है, तो रिमेनिंग थ्री सी डी ई आपको बुक में ही करना है, होमवर्क में। नेक्स्ट है, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द कलर्ड पार्ट इन द फॉलोइंग फिगर। टोटल कितने पार्ट्स हैं वो नीचे आते हैं, तो वन टू थ्री फोर, तो डिनोमिनेटर में कितना आएंगे? टोटल, तो यहाँ पे क्या आएगा? फोर आएगा, और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं? वन टू थ्री, तो थ्री ऊपर आएगा। सिमिलरली बी और सी भी आपको बुक में करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। थ्री सेवेंथ, थ्री सेवेंथ मतलब क्या होता है? थ्री ऊपर और नीचे सेवन। ठीक है, टू फिफ्थ, तो टू ऊपर और डिनोमिनेटर में फाइव। फोर टेंथ, तो फोर ऊपर और डिनोमिनेटर में टेन। ठीक है, डी बी डी एफ आपको कॉपी में करना है। किस में करना है? कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के नाम लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? ऊपर क्या है? वन, तो वन बाय, और डिनोमिनेटर में क्या है? टू, तो वन बाय टू। कैसे लिखना है? वन बाय टू। यहाँ पे क्या है? फाइव, तो फाइव बाय सिक्स। ये होते हैं नंबर नेम्स लिखना है फ्रैक्शन के। ठीक है, या तो फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं वन बाय टू। ठीक है, या वन हाफ, वन हाफ। क्या बोल सकते हैं हम? वन हाफ भी इसको बोल सकते हैं, पर ये इजी है, वन बाय टू। ठीक है, ई बी डी एफ आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको कॉपी में करना है, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू आपको बुक इटसेल्फ में करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।